झारखंड के धनबाद में अचानक धरती फटने से एक युवक पाताल में समा गया। हालांकि पास खड़े लोगों ने उसे तत्काल गोफ से बाहर निकाला और उसे SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में BCCL के प्रति काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बता दें कि घटना केदुआडी थाना क्षेत्र अंतर्गत UCC इंफ्रा आउटसोर्सिंग के समीप की है। घटना के संबंध बताया जा रहा है कि केदुआडी थाना क्षेत्र के गंसाडी 3 नंबर निवासी उमेश पासवान रविवार सुबह सोच के लिए घर से निकला था। इसी दौरान UCC इंफ्रा आउटसोर्सिंग के समीप तेज धमाका हुआ, जिसके बाद धरती फट गई। उसमें उमेश पासवान समा गया। बता दें कि घटना के वक्त पास में कुछ लोग खड़े थे, जिन्होंने उमेश को वक्त रहते गोफ से निकाल लिया, लेकिन उमेश का शरीर बुरी तरह से झुलस चुका था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट चुकी है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। वह घटना के लिए BCCL को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बता दें कि केंदुवाड़ी थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर कोलियरी पेंच में चंद महीने पहले गैस रिसाव की घटना सामने आई थी। आनन फानन में गैस रिसाव को बंद किया गया था। वहीं स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान में बसाने की बात की गई थी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। BCCL और जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आए दिन लोग गोफ में समाते रहते हैं। आए दिन इलाके में भूधसान और गैस रिसाव की घटना आम हो गई है, लेकिन इन घटनाओं से ना तो BCCL और ना ही जिला प्रशासन कोई सबक ले रहा है। अब देखना यह होगा किस घटना के बाद जिला प्रशासन कौन सा कदम उठाता है।